फैसल मलिक, फैजुर रहमान और दानिश अहमद, इन लोगों को कई बार चेतावनी दी गई, ये लोग नहीं माने, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे और प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कल ही उनके निर्देशानुसार ही मैं इन तीनों लोगों को पार्टी से की सदस्यता से खत्म कर रहा हूँ। बीते रविवार को बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा थी। उस जनसभा में ओवैसी के आने से पहले मंच पर आपस में ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई थी और उस दौरान AIMIM के कार्यकर्ता फैसल मलिक को मंच के ऊपर से धक्का मारकर भगा दिया गया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फैसल मलिक को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया था और आरोप लगा था कि पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आज AIMIM के बाराबंकी के जिला अध्यक्ष कुंवर जामी ने एक प्रेस वार्ता कर फैसल मलिक, दानिश अहमद और फैजुल रहमान फैज को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि पार्टी में हमारी जो है कुछ विरोधी गतिविधियों में गतिविरोधी उसमें जो है लिप्त हैं लोग, तो उनको आज निकालने का भी काम मैं कर रहा हूं और फैसल मलिक, फैजुल रहमान और दानिश अहमद, इन लोगों को कई बार चेतावनी दी गई, ये लोग नहीं माने, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे और प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कल ही उनके निर्देशानुसार ही मैं इन तीनों लोगों को पार्टी से की सदस्यता से ख़त्म कर रहा हूँ। कौन-कौन है? फैसल मलिक, फैजुर रहमान और दानिश अहमद। और फैसल मलिक ने तो मेरे ऊपर कल PC करके आरोप लगाए हैं कि मैं जो है बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलता हूँ और अपने ही अपने गुंडे रखे हैं मैंने, समझे, और जो गाड़ी है वो मेरी भाजपा की है, जबकि वो गाड़ी मेरी खुद की है जी, मेरे भाई के नाम है वो। अच्छा। 2020 से मैं ली थी मैंने फॉर्च्यूनर। और इसके अलावा मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए था कि 5 लाख रुपए दीजिए, नहीं आप चुनाव नवाबगंज में नहीं लड़ पाएंगे, सदर में चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे, 5 लाख रुपए दीजिए तभी टिकट हो पाएगा। तो प्रताड़ित करने का भी काम इसने किया, एक तरह से रंगदारी मांग रहा था मुझसे, और मैं तो मेरी छवि को ख़राब किया है इसने, तो मैं तो मानहानि का दावा भी करूँगा इसके ऊपर। मैं कोई शहर में अनोन आदमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शहर में इज्जत है। तो इस तरह के लोगों को पार्टी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इन लोगों को कई बार मैंने बचाने का काम किया मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ओवैसी साहब का प्रोग्राम था वहाँ प्रोग्राम में डिस्टर्ब करने का काम किया, तब वहाँ इनको पुलिस ले गई हटा के, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इन सब तीनों लोगों को निकाल के बाहर करो, तो आज मैं PC करके यही बता रहा हूँ। कुछ लोगों का आरोप है कि दुकान की ओपनिंग नहीं कराई, किसी दूसरे नेता से कराई जी, जी। पार्टी में जो है ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम वकार साहब, उनको इनॉग्रेशन में बाकायदा बुलाया गया था, ये देखिए पूरा वो है, उनको पूरा बुलाया गया था, वहाँ कार्ड भी छपे थे, ये देखिए ये, और उनको उनसे इनॉग्रेशन ना करा के समाजवादी पार्टी के नेता से इनॉग्रेशन करा दिया, ये देखिए। ये तो क्या लगता है कि आप जो पार्टी में थे, लोग शामिल थे, वो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक थे? जी जी बिल्कुल, ये लोग समाजवादी पार्टी ही का काम कर रहे थे, ये तो तब खुल गया ना मामला, ये मामला सब खुल गया, तभी ये प्रदेश अध्यक्ष ने भी देखा है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इसको देखा है।
तभी इनको कहा निकालने, तत्काल प्रभाव से इनको निकालने का काम करिए। जो उनका जो आरोप था कि बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ के घूमते हैं गाड़ियों में, तो क्या इसमें क्या 1100 नंबर की दो फॉर्चूनर है बाराबंकी में, एक यूपी 32 है और ये एक यूपी 41 है। तो यूपी 41 मेरी है, दोनों काली हैं। यूपी 32 मेरी है और यूपी 41 भाजपा नेता की है। अरे वो नवीन की है, तो वो क्या मैं अपनी गाड़ी पे नहीं चल सकता हूँ क्या? मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया है, तो कोई हल्का आदमी तो हूँ नहीं मैं। क्या FIR लिख पाएंगे? बिल्कुल, मानहानि का दावा भी करेंगे और इन्होंने जो दबाव बनाया है, रंगदारी वसूली है, इसके खिलाफ तो मैं FIR भी कराऊंगा।